हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे ये मंडे को 18 जुलाई को किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के हमारे टारगेट्स एंड लेवल्स दे सकता है। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से इसमें प्राइस एक्शन सिनारियो क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ये एक तरह के साइड बेंज में जा चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेंज था जिसको इसने ब्रेक करने के बाद हमारा 1:1 टारगेट भी दे दिया और फिर से अभी नीचे आ गया है। तो अभी ये ट्राई कर रहा है कि फिर से जो जिस लेवल को इसने ब्रेक किया था, ये जो यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल है, इसको एक बार रिटेस्ट करने का। क्योंकि एक बार ब्रेक करके ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो ये बड़ा रेंज बनाने की कोशिश करेगा। ये करेगा यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से इस तरीके से एक बड़ा सा रेंज बनाया, फिर या ऊपर या नीचे जिस ओर भी ब्रेक करेगा एक हम लोग को बड़ा सा टारगेट दे के जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके पास जो सपोर्ट जोन है अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 1640 से लेके 1630 का हमारे पास सपोर्ट जोन है। अगर ये इसे ब्रेक कर देता है तो फिर ये 1580 से लेके 1560 के बीच में आने की कोशिश करेगा इस वाले रेंज में। ठीक है, लेकिन अगर ये यहीं से सपोर्ट लेके यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है स्टीप ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक करके ऊपर क्यों निकलता है तो ये कोशिश करेगा फिर से ये यहाँ पे जो पहले एक रेंज था 1680 तक का, ठीक है, इसके अंदर ये टाइम स्पेंड करके ऊपर की ओर या नीचे की ओर ब्रेक करे। ज़्यादा चांसेस है ये ऊपर की ओर ब्रेक कर दे यहाँ पे, क्योंकि ये अभी अप ट्रेंड में जा चुका है। ठीक है, इसका जितना यहाँ से यहाँ तक रैली किया था उसका 50% ऑलरेडी यहाँ पे ये रिकवर हो चुका है। अगर यहाँ से इसको ऊपर निकलना है तो ये बेस्ट प्राइस होगा यहाँ से इसको ऊपर निकलने का। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखते हैं मंडे के दिन किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मंडे को नीचे अगर ये 655 का लेवल क्रॉस करता है तो हम लोग को जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 651 का, एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग को नीचे की ओर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1647 का। ठीक है, ऊपर की ओर बात करें तो ऊपर की ओर अगर ये यहाँ पे 1667 को ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर जो हम लोग को पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1671 का। ठीक है, यहाँ पे एंड जो सेकेंड टारगेट हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1675 का। तो यहाँ पे अभी जिस तरीके से ये 2-3 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, इस रेंज को अगर ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो ऊपर के लेवल, अगर नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो नीचे के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। याद रखें, नीचे की ओर 1655 एंड ऊपर की ओर 1667, ये लेवल अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो हम लोग को ऊपर का 1671 एंड 1675 का लेवल, नीचे की ओर 1651 एंड 1647 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये जैसे क्लोजिंग दिया है 1660 के आसपास, तो इसको ओपनिंग कहाँ होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 1663 से लेके नीचे की ओर 1657 और 56 के बीच में ही ओपन होना चाहिए, एंड उसके बाद अगर नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो लेवल देखने को मिलेगा। ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो ये लेवल अच्छे से काम नहीं करेंगे। ठीक है, और वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए तो कोई भी डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद में लेना होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।